करवा चौथ पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन हरदा में गुरुवार शाम को पति पत्नी के बीच चल रहे घरेलू विवाद को लेकर न्यायालय में पेशी के लिए आए एक पति और उसके बड़े भाई ने पत्नी और उसके पिता की सरेआम जिला न्यायालय के मुख्य गेट के सामने चप्पलों से पिटाई कर दी, जबकि पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा था। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक टिमन्नी के वार्ड नंबर 2 की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले संतोष कहार की बेटी रेणुका कहार की शादी सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम महेंद्र गांव के राहुल कहार से वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल के लोग मारपीट करने लगे, लेकिन वह सहती रही। उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन बीते 1.5 साल पहले ससुराल में ज्यादा प्रताड़ित होने के चलते वह अपने बच्चे के साथ अपने पिता के घर टिमन्नी आकर रहने लगी थी, जिसके बाद उसने कुटुंब न्यायालय में पति के खिलाफ धारा 125 का केस दर्ज करवाया था। वहीं कुटुंब न्यायालय में करवा चौथ होने की वजह से पति व पत्नी को समझाइश देने के लिए बुलाया गया था, ताकि दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन महिला के पति ने पहले तो गाली गलौज की, फिर अगली पेशी मिलने के बाद न्यायालय परिसर के बाहर जाकर अपनी पत्नी, ससुर व एक अन्य व्यक्ति के साथ चप्पलों से मारपीट की। दिया 13 तारीख को, फिर अंदर गए हम, बातचीत हुई जैसा वो वहाँ पर अंदर, फिर बाहर आए, उन्होंने बोले पैसे बढ़ा दो, उन्होंने दीपावली के बाद की। हम बाहर आए, फिर बाहर खत्म हो गए, फिर हम बाहर निकले तो हम वो गाली गुप्ता करने लग गए पापा को। पापा के बाद मारने लग गए, मैं समझाने गई तो वो मेरे को मारा कुटी करने लगे, पापा को करने लग गए, वो दादा को करने लग गए, चप्पल से हाथ से मारा कुटी करी, फेंक दिया, पापा को फेंक दिया, मेरे को भी मारा पीटी करे उनने, दादा को भी मारा पीटी। करवा चौथ के दिन तो कुछ समझौता नहीं हुआ, उनने तो गाली गुप्ता करने लग गए, मारा कुटी करने लग गए मेरे साथ, मैं पापा को ही मारे, दादा आए साथ में उनको ही मारा पीट करी उनने। इस दौरान वहां मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने मारपीट करने वाले दोनों भाइयों से रेणुका और उसके परिजनों को छुड़वाया। उधर घटना के बाद रेणुका ने अपने पिता के साथ जाकर सिटी कोतवाली में पति और जेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। सिटी कोतवाली TI राकेश गौर ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट समेत शांति भंग करने को लेकर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 5:30 बजे की बात है, बार एसोसिएशन कोर्ट से एक फोन आया था कि जहां कोर्ट के सामने झगड़ा हो रहा है। तत्काल मेरे द्वारा फोर्स भेजा गया तो देखा गया कि राहुल पिता राम सिंह कहार एवं विनोद पिता राम सिंह कहार उनके पति पत्नी के विवाद के लेके अनावेदक पक्ष जो रेणु का भाई है उनके पति पत्नी का विवाद चल रहा था, जिनका कोर्ट में केस भी चल रहा था, और उसी संबंध में उन लोगों ने आज न्यायालय के सामने मारपीट की है, जिन्हें तत्काल गिरफ्तार करके 151 किया गया और कार्रवाई की गई, और रेणुका की रिपोर्ट पर इनके विरुद्ध अलग से अपराध पंजीबद्ध किया है 294, 323, 506, 34। कोर्ट के बाहर इस तरह की घटना होना काफी गंभीर है, जिसमें पुलिस की महती भूमिका देखने को मिली, जिन्होंने तत्काल स्थिति को संभाला और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट MP News हरदा।